मैं विजय लाल साह आपके हिंदी शिक्षक, आज मैं आप लोगों को वर्ग सप्तम हिंदी व्याकरण पाठ अव्यय का शेष भाग, अगली कक्षा में, पिछली कक्षा में बताए गए थे कि अव्यय का कुछ भाग जो है बाकी रह गया है, आज हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समुच्चय बोधक के बारे में जाने, उसकी परिभाषा। समुच्चय बोधक की परिभाषा, दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे शिवानी और शिवेश दोनों भाई बहन हैं, दोनों मन लगाकर पढ़ रहे हैं ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। दोनों का दिमाग इतना तेज चलता है मानो कंप्यूटर। तो यहाँ उपयुक्त वाक्यों में और, ताकि और मानो शब्द, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक है। एक बात ध्यान देने की है कि इसमें जितने भी जो लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं वे सभी समुच्चय बोधक को दर्शाते हैं, उसी से संबंधित ये शब्द हैं जो समुच्चय बोधक का काम करते हैं। अब आइए समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के भेद, इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। यहाँ समुच्चय बोधक के दोनों भेद हैं और दोनों भेदों के भी भेद हैं। तो सबसे पहले हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैं और मम्मी घूमने जा रही है, तो गौर करने की बात है यहाँ मैं और मम्मी घूमने जा रहे हैं, यहाँ ये लाल रंग से लिखे और शब्द जो है वह समुच्चय बोधक है। यह मैं को और मम्मी दोनों को जोड़ने का काम करते हैं और ये समानाधिकरण समुच्चय की। तो अब आइए समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। यहाँ समानाधिकरण समुच्चय, हाँ, ये केवल जानकारी हेतु हम आप लोग को बता रहे हैं, जिससे आपको आने वाले समय में इसका आपको फायदा मिलेगा। इसके भी चार भेद होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के, वे इस प्रकार हैं। पहला, संयोजक। दूसरा, विरोध सूचक।
तीसरा विकल्प सूचक और चौथा परिणाम सूचक। अब एक बात ध्यान दीजिए कि संयोजक यानी जोड़ने वाले जो जोड़ता है, तो इसमें कौन से शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं शब्दों को वाक्यांशों को, तो इसके अंतर्गत आते हैं और तथा एवं और वह। तो ये सभी जो शब्द हैं संयोजक के और तथा एवं और वह, ये शब्द संयोजक हैं। दूसरा है विरोध सूचक। विरोध सूचक इसके अंतर्गत पर, लेकिन, मगर, परंतु और अपितु आते हैं। ये जोड़ते हैं, लेकिन ये विरोध करने पर जोड़ते हैं, विरोध करके जोड़ते हैं, इसलिए विरोध सूचक है। उदाहरण के लिए जैसे मैं स्टेशन गया मगर गाड़ी छूट गई, तो ये विरोध करते हैं, मतलब काम दोनों को जोड़ते हैं लेकिन विरोध प्रकट कर। अब आइए तीसरा विकल्प सूचक। विकल्प सूचक का अर्थ होता है कि इसके लिए कोई ऑप्शन, अगर ये न करे तो वो करे, तो इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं या अन्यथा, न कि और चाहे आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, तो यहाँ विकल्प है, यहाँ जैसे आप या बैठिए अथवा चले जाइए, तो दोनों में से एक विकल्प को आप चुन सकते हैं, इसलिए यह विकल्प सूचक बोधक में आ जाता है। अब आइए चौथा परिणाम सूचक। परिणाम सूचक के अंतर्गत इसके अंतर्गत अतः, फलतः तथा परिणाम स्वरूप, तो ये सभी जो हैं ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के ये भेद हैं। अब आइए व्याधिकरण समुच्चय बोधक। हमने समुच्चय बोधक के दो भेद बोले थे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक के परिभाषा उसके भेद को समझाएं, अब आइए व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अनुपम भला व्यक्ति है इसलिए सबको भला समझता है। एक बात गौर के, जो भला आदमी है वो दूसरों को भी भला समझते हैं, ये उसकी प्रवृत्ति। अब आइए इसलिए सबको भला समझता है, क्योंकि इसमें जो इसलिए शब्द है वह व्याधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण है। अब आइए व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी भेद। तो इसके भी चार भेद हैं जो इस प्रकार है। हाँ, ये केवल आपकी जानकारी हेतु हम बता रहे हैं। तो इसमें पहला देखिए कारणवाचक, दूसरा है संकेतवाचक, तीसरा है स्वरूपवाचक और चौथा है उद्देश्यवाचक। तो अब आइए बारी बारी से हम इसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को कि कारणवाचक किसे कहते हैं, कारणवाचक के अंतर्गत वे कौन से शब्द आते हैं। हम इसके बारे में बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत इसलिए, क्योंकि, तथा, चूंकि आते हैं। अब आइए संकेतवाचक, इसके अंतर्गत आदि, यदि,
तथापि और यद्यपि आते हैं। तीसरा है स्वरूपवाचक, इसके अंतर्गत मानो, जैसा कि, तथा अर्थार्थ आते हैं। और चौथा उद्देश्यवाचक, इसके अंतर्गत कि, ताकि, तथा जिससे कि, ये आते हैं। तो ये सभी जो हैं आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक के ही भेदों में से आते हैं। अब आइए विस्म्याधिबोधक। विस्म्याधिबोधक क्या है? विस्मय, हम किसी अचंभित होते हैं, हर्षित होते हैं, दुखित होते हैं, तो अचानक सडनली ऐसे भाव निकल आते हैं। तो सबसे पहले विस्म्याधिबोधक की परिभाषा जानिए। जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्म्याधिबोधक अव्यय कहते हैं। विशेष इसमें है विस्म्याधिबोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वे मन के भावों के आवेग में अनायास मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते। उदाहरण, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और अचानक किसी वृद्ध आदमी को गिरते हुए देख लेते हैं, तो उसे देखकर मुंह से अनायास आहा हा इस बेचारे गिर गए, या फिर कहीं जा रहे हैं और सामने में कहीं गंदी चीज़ या गंदगी दिखाई पड़े तो अनायास ही मुंह से निकल छी छी कितनी गंदी। तो ये ध्यान देने की बात है कि इसके लिए हम पहले से ही विचार करके नहीं चलते हैं कि हमें वहाँ जाकर ऐसा बोलना है या ऐसा करना है। ये तो परिस्थिति, बस जब ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, ऐसा सिचुएशन आने पर ही हमारे मुँह से अनायास ये भाव व्यक्त हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विस्म्याधिबोध। अब देखिए इसमें क्या है, इन शब्दों के साथ विस्म्याधिबोधक चिन्ह अवश्य लगता है। अब देखिए इसके लिए जो उदाहरण में है, जैसे शाबाश बेटी, तुमने सर्वोत्तम अंक लाकर मेरा नाम रोशन कर दिया, खुश रहो, सुनो सबका मुंह मीठा कराओ, हाँ हाँ मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। तो यहाँ उपर्युक्त वाक्यों में शाबाश, खुश रहो, सुनो और हाँ हाँ शब्द मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः यह विस्म्याधिबोधक है। तो इस आप लोगों ने सुना कि ये हमारे पहले से विचार नहीं होते, बल्कि परिस्थिति बस ही ऐसे भाव और ऐसे शब्द जो है अनायास ही प्रकट होते हैं। अब आइए विस्म्याधिबोधक शब्दों के प्रमुख भेद निम्नलिखित है। अब कैसे 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 हमारे भाव बनते हैं, इसे हम इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए पहला है हर्षबोधक। हर्षबोधक का अर्थ होता है खुशी के भाव। जब हम बहुत खुश होते हैं या खुशी का माहौल या वातावरण होता है, तो ऐसे भाव स्वाभाविक बन जाते हैं। उदाहरण के जैसे देखिए हर्षबोधक, वाह कितना सुंदर चित्र है। जब हम सुंदर चित्र को देखते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह से निकलता वाह कितना सुंदर चित्र है। दूसरा उदाहरण है आह नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ भी जो है ये खुशी, ये इंजॉय से है, ऐसे भाव हमारे मन में व्यक्त होते हैं और कथन बन जाता। उसी प्रकार ओहो ये हमारा घर होगा। तो ये सभी जो उदाहरण है ये खुशी के भाव को व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे हर्षबोधक कहते हैं। अब दूसरा शोकबोधक। शोकबोधक में क्या है, इसमें दुख प्रकट करते हैं, दुख का भाव हमारे मन में आता है। जैसे उदाहरण के लिए हे राम इनको शांति देना। दूसरा उदाहरण हाय बेचारा कितना पीड़ा सह रहा है। और तीसरा ओह बड़ी दर्दनाक दुर्घटना। ये सभी जो है भाव
दुख को व्यक्त करें। अब आइए तीसरा भय बोधक। ये हमारे मन में डर पैदा होता है तभी ऐसे भाव निकलते हैं, जैसे अरे सांप आ गया, अरे यहाँ तो बहुत खतरा है, बाप रे इसे देखकर तो जान ही निकल गई। तो ये सारे शब्द जो है भय के कारण हमारे मुंह से अनायास ही निकलते। अब आइए घृणा बोधक, छी छी कितनी मक्खियां हैं। दूसरा उहूं इतनी गंदी जगह मैं नहीं रह सकता। पांचवा विस्मय बोधक, ए ये तो बहुत ऊंची इमारत है, अरे सुमन गाना भी गाती है। अब आइए छठा चेतावनी बोधक, सावधान सामने से बस आ रही है, खबरदार जो एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया, बचो पीछे गंदगी। ये सभी जो है चेतावनी वार्निंग के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता। अब आइए स्वीकार बोधक, हाँ हाँ ठीक अच्छा जी आदि। और सात आठवां है आशीर्वाद बोधक, जियो खुश रहो चिरंजीवी हो सुखी हो। और नौवां है संबोधन, अरे ओ हे प्रभु अजी सुनो आदि। ये सभी जो है संबंध बोधक है। तो बच्चों संबोधन है, बच्चों आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।